राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। श्रीमन नारायण आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। हम आपकी भागवत ना जनवरी से सुनना स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छा लगता है। पहले इतना टेंशन रहता था ऑफिस में, इतना टेंशन में रहते थे। आप जब ऑफिस से घर आते हैं तो आपकी भागवत सुनते तो बहुत रिलैक्स मिलता है। आप अपनी भागवत में बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं सबको, बच्चों को भी और बड़ों को भी, जैसे हम लोग जो हैं उन सबको भी। गुरु जी आपसे एक क्वेश्चन था, एक सवाल था। जैसे हम लोग एकादशी का फास्ट रखते हैं ना, तो वो क्या दसवीं से ही स्टार्ट हो जाते हैं उसके रूल नियम? एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, पर इस कलयुग में 3 दिन का करने वाले कम हैं, इसलिए आप 1 दिन का करें। 3 दिन का कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। दशमी के दिन सुबह टाइम भोजन कर लो, शाम को ना करो। करना है तो चावल ना खाओ, शाम को भोजन दशमी को नहीं करना। एकादशी को जल्दी उठ के भगवान का पूजन करना, कुछ नहीं खाना, फलाहार कुछ खा सकते हैं फल फूल। फिर द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा के और भगवान को स्नान ध्यान करा के, ब्राह्मणों को भोजन करा के, फिर चावल के साथ आप शुरुआत करें अपने पारण की, वो भी त्रयोदशी लगने के पहले। द्वादशी को हम ऐसे ही करते हैं। मैं तो 3 दिन ही करती हूँ, दसवीं से मैं एक ही टाइम खाती हूँ बस। आज मैंने एक टाइम ही लिया है, अब मैं शाम को नहीं खाऊंगी, फिर कल पूरा दिन और परसों फिर पारण वो जो टाइम होता है ना यूट्यूब में देख के टाइम देखती हूँ। हाँ ठीक, टाइम दिया है। तो और कल एकादशी के दिन क्या खाएंगे आप? मैं वैसे कुछ नहीं खाती हूँ, भूख लगती नहीं है। जब भी कभी भूख लग जाए तो जैसे कभी वो खीर खा लेती हूँ साबूदाने की। फल खा लिया करिए, ठीक है, फल खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी, आप बहुत सुंदर हैं बिल्कुल कृष्णा जी की तरह। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। जी गुरु जी, मैं आज वृंदावन पहली बार आई हूँ और पहली बार में आपके दर्शन हो गए, मुझे बस यही चाहिए। खुश राधे राधे। आरती ठाकुर जी पूछ रही हैं, राधे राधे गुरु जी, क्या माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, तो क्या ये सही है? हमारे यहाँ कहा जाता है कि उभरे पूत पिता के कर्मा, कृपया मार्गदर्शन करें। बाढ़ हैं पूत पिता के धर्मा, उभरे पूत पिता के कर्मा, ये सब कहा जाता है अपने यहाँ। माता पिता के अच्छे कर्म होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक दुकान है, आपकी माना की दुकान है, फैक्ट्री है, और आपने उसको खूब अच्छे से क्वालिटी मेंटेन की है, ठीक है, और अब आप चले गए, अब आपके बच्चे संभाल रहे हैं, तो बच्चे भले वो क्वालिटी ना दें, पर चूंकि नाम चल गया है पिता का, तो लोगों का विश्वास, लोगों का जीत लिया है, तो अब थोड़ा विश्वास आप तोड़ भी रहे हैं लोगों का, आप मिलावट कर रहे हैं अपने पदार्थों में, तो भी चलेगा, आगे चल के भले बंद हो पर कुछ दिन तो चलेगा। तो पिता का नाम, पिता का धर्म, पिता का पुत्र को तो मिलता ही है, पिता की प्रॉपर्टी, पिता का नाम पुत्र को मिलता ही है। तो पिता का यदि नाम इज्जत पुत्र को मिलता है, तो पिता का पाप भी पुत्र को मिलेगा। यदि बाप कुछ गलत करे तो बेटे को लोग ताना मारेंगे, तेरे बाप ऐसा है, तो अच्छा भी मिलेगा पिता का और बुरा भी मिलेगा पिता का, इसलिए अच्छा बुरा दोनों मिलता है। आकांक्षा चौरसिया जी का प्रश्न है, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे घर पर भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर है, उसमें भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हुए, तो क्या उस तस्वीर को अपने घर में लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मैया बोलो। गुरु जी राधे राधे। जी राधे। मैं आपका 2 साल से प्रोग्राम देखती हूँ भागवत, मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती है और मेरे घर में सब सुख शांति है। मैं अपनी बेटी के घर आई हुई हूँ, फिरोजाबाद से आई हूँ। हाँ। मैं सोचती थी आपसे कैसे मिलूँ, कैसे संपर्क करूँ, लेकिन भागवत की कृपा से मेरे को आज आपके दर्शन हो गए। खुश रहिए। हाँ जी, आप आशीर्वाद दीजिए, सब परिवार मेरा खुश रहे। खुश रहिए, सदा खुश रहिए।